हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बबीता विश्वकर्मा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नॉनवेज रेसिपी। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगी ये रेसिपी। तो आज मैं फ्राई करने वाली हूँ पॉपलेट मच्छी। तो किस तरीके से फ्राई करने वाली हूँ और क्या क्या चीज़ें इसमें लगने वाली है, मैं आप लोगों को सब चीज़ें यहाँ पे आज बताऊँगी। और बहुत ही टेस्टी होती है पॉपलेट मच्छी और खाने में तो बहुत अच्छा होता है ये। तो प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा और मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए आप लोगों को ये मेरी फ्राई मच्छी कैसी लगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम कैसे पॉपलेट मच्छी को फ्राई करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है चलो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो पॉपलेट मच्छी लिया है, इसको अच्छे से मैंने धो दिया है। यहाँ पे जो इसकी आँखें थी वो भी मैंने निकाल ली है और यहाँ पे इसकी पूँछ थी वो भी मैंने कट कर दिया है अच्छे से वॉश करके। और मैंने बीच में इसको दोनों साइड से ऐसे कट कर लिया है। आप लोगों को भी फ़िश को इस तरह से कट करना है जिससे जो भी मसाले ये आसानी से अंदर से चले जाएंगे। आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से इसे क्लीन कर लिया है दोनों साइड से। तो ये मैंने दो पॉपलेट मच्छी लिया है। अब इसे फ्राई करने के लिए हमें कौन से मसाले लगेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ली हूँ लाल मिर्च जो तीखी भी है और कलर भी आएगा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच लाल मिर्च लिया है, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार लिया है और ये फ़िश मसाला, आपको जो भी फ़िश मसाला जमे आप लीजिए। और यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है और एक आधा नींबू और तेल लगेगा। इन सारी चीज़ों को हम मिलाकर आज हम पॉपलेट मच्छी को फ्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे मसाले तो मैंने आप लोगों को बता दी, अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए पहले हम मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल का आटा है वो भी ऐड कर लेती हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच जो है चावल का आटा ले रही हूँ। अब इन सारे मसालों को हमें मिक्स करना है हाथों से। अब इसमें हम, ये बहुत सूखा है तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और जो नींबू मैंने आधा बताया था यहाँ पे इसे भी अच्छे से इसमें हम डाल देख सकते हो। मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इन मसालों को हम फिश में लगाएंगे अच्छे से और दोनों साइड हमें अच्छे से मसाला लगाना है फिश पर। और जो मैंने कट किया था चाकू से उसे भी इसमें लगाना है अच्छे से, उसमें भी भरना है मसालों को अच्छे से। देख सकते हो मैंने फिश को अच्छे से मसाला लगा लिया है दोनों साइड से। अब हम इसे क्या करेंगे, आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे और सेट होने के लिए। उसके बाद हम इसे अच्छे से तवे पे फ्राई करेंगे। तो चलिए आधा घंटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आधा घंटा मैंने फिश को फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। तो आधा घंटा हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया है, नॉनस्टिक का तवा है। तो अगर आपको जिस कोई भी तवे पर फिश फ्राई करना है चलेगा, पर यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है। तो अभी तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तेल। तो ये नॉनस्टिक तवा बड़ा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे दोनों फिश आराम से इसमें आ जाएंगे। तो मैं अच्छा इसमें ज़्यादा ऑयल डाल दूँगी। अब तेल को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद ही हम इस पर, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो अब फिश को जो है हम तवे पे रखेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों फिश अच्छे से तवे पे रख दिया है। अब एकदम धीमे आंच पर इसे पकाना है, तो हमें बाबा पलटना नहीं है। 10 मिनट पहले हमें ऐसे पकाना है, उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद हम पलट देंगे। ऐसे करके हमें पकाना है, बार बार मच्छी को हमें पलटना नहीं है। तो एक साइड हो जाएगा तो हम दूसरी साइड पकाएंगे। तो अब इसे एकदम, मतलब एकदम धीमी आंच पे हमें रखना है। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फिश को अच्छे से पलट दिया है। अब ये अच्छे से यहाँ साइड से पक गया है। अब दूसरे साइड से मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हो पॉपलेट फिश फ्राई जो है रेडी हो चुका है। मैंने दोनों तरफ से अच्छे से इसको पका लिया है।
और खुशबू तो आपको क्या बताओ बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इस तरीके से आप फिश फ्राई कीजिएगा पॉपलेट का, काफ़ी अच्छा लगेगा और आप ऐसे रोटी के साथ बहुत अच्छे से खा सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो